नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ भी। दिनेशपुर थाना अंतर्गत कालीनगर गांव की एक महिला पेट दर्द की शिकायत पर दिनेशपुर कुलीन कुमार विश्वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला के इलाज के दौरान तबियत बिगड़ गई। आनंद फानंद में विवाहिता को अस्पताल से रेफर कर दिया गया। बाद में महिला को नगर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे गुस्साए मृतका के परिजनों ने स्वर्गीय कुलीन कुमार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उद्धव पाड़ा कालीनगर निवासी शेखर गायन की पत्नी पूजा गायन 25 वर्ष को पेट दर्द की शिकायत होने पर बुधवार को दिन में परिजन उसे नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में चिकित्सक ने पूजा को 2 इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ गई। आनंद फानंद में उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद परिजन उसे लेकर नगर के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने पूजा को मृत घोषित कर दिया। घटना से गुस्साए मृतका के पिता रविंद्रनाथ मंडल निवासी जगदीशपुर ने देर शाम को थाने में तहरीर देकर अस्पताल के चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके बाद थानाध्यक्ष दिनेश रिपीट जिसके बाद थानाध्यक्ष दिनेश फरतियाल पुलिसकर्मियों के साथ गांव पहुंचे और पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बारे में थानाध्यक्ष दिनेश फरतियाल और स्वर्गीय कुलीन कुमार विश्वास प्राथमिक स्वास्थ्य दिनेशपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। हॉस्पिटल है जिसमें फर्स्ट एड किया जाता है, दूसरा कोई उपचार नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, अच्छा डॉक्टर नहीं है। मरीज लेके जाए पास में दिनेशपुर 5 किलोमीटर में, उसके बाद रुद्रपुर पड़ता है। यहाँ तो कम से कम यहाँ मरीज लेके जाते हैं, यहाँ तो केयर ही नहीं है। मतलब मरीज की केयर नहीं, तो गरीब आदमी के साथ इतना दुराचार है, इतना परेशान है गरीब आदमी, इस हॉस्पिटल में जाने से, सरकारी हॉस्पिटल में जाने से डरते हैं लोग, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की क्यों करते हैं। आज देखिए हमारे ये गांव के एक सरकारी में ले गए थे, ले जाने के बाद पर्ची काटा, उन्होंने लेडीज डॉक्टर है कि दो जूतों में दो सुई लगा, उसके बाद में मुंह से झाग निकलने लगा, फिर उन्होंने कहा था कि जिला अस्पताल में ले जा, पर्ची बना के दिया, तो जब तक बिगड़ रहा था बहुत ज़्यादा। तो दूर जाने से हमने एक मेडिकल वाला, उन्होंने डॉक्टर के पास फ़ोन किया जीवनदीप में, ऐसे मरीज जा रहा है इनको देखो तुम ही लेके गए, और किले जाने के बाद वहाँ सुई लगाया, एक डॉक्टर था, 3-4 लेडीज थे, ऐसे पेट में दबाया हुआ ये सब।